आज हम लोग बात करने वाले हैं गायकी के भगवान कहे जाने वाले बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और अपनी एक्टिंग और अदाकारी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर साहब का। और दोस्तों, आप लोगों की इनकी जोड़ी तो याद ही होगा, इनकी जोड़ी ने 80 के दशक में कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें काम किया। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन, तो आज हम लोग राज बब्बर साहब के जन्मदिन स्पेशल में मोहम्मद रफी साहब और राज बब्बर साहब की शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए पहली बार अपनी आवाज़ दी 1980 में, और फिल्म का नाम है नजराना प्यार का। और इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं गम छुपाते रहो मुस्कुराते रहो। और इस गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी, और ये गीत जो है वो राज बब्बर और अरुणा ईरानी पे फिल्माई गई। और इस फिल्म का संगीत हेमंत भोसले जी ने दिया और लिरिक्स निधा फाजिली साहब ने दिया था। और इस गीत के बाद फिर क्या था, और 80 के दशक में ऐसे कई फिल्में आई जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी। आप लोगों को 1981 की फिल्म पूनम तो याद ही होगा, और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए 3 गीत गाए। पहला है आज जरा मेरे हमनसी, और दूसरा है मोहब्बत रंग लाएगी। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और चंद्रानी मुखर्जी जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत जो है वो राज बब्बर और पूनम ढिल्लों पे फिल्माई गई। और इस फिल्म का तीसरा गीत है लागी लग जाए, और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने सुधीर जी के लिए अपनी आवाज़ दी, लेकिन एक बैकग्राउंड वॉइस में मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत अनु मलिक साहब ने दिया, और दोस्तों इस फिल्म के गीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बचपन कहीं दूर जाने लगे रुक जवानी की ये। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों आप लोगों को 1982 की फिल्म भीगी पलके तो याद ही होगा, और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए एक ही गीत गाया, लेकिन यह गीत 80 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी हर किसी के जुबा पर है। गीत के बोल हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी, और यह गीत जो है वो स्मिता पाटिल और राज बब्बर पे फिल्माई गई। और इस फिल्म का संगीत जुगल किशोर जी ने दिया, और दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों ने यह गीत जो है वो सुने ही होंगे। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो इस फिल्म के साथ ही और 80 के दशक के ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1985 की फिल्म दुर्गा तो याद ही होगा, और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए आखिरी बार अपनी आवाज़ दी। गीत के बोल हैं सुन सजनी क्या सजना कुछ कहने वाला था मैं। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत सोनी कोमी साहब ने दिया था और लिरिक्स वर्मा मलिक साहब ने दिया था। सुन सजनी क्या सजना कुछ कहने वाला था मैं। दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब और राज बब्बर साहब के शानदार जोड़ी की शानदार वीडियो जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से राज बब्बर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।